Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Hopes you are doing well. Welcome back to my channel. Welcome back to new video. आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपके साथ एक टॉपिक शेयर किया जाएगा जिसका जो है जी वो आप थंबनेल में देख ही चुके हैं। और आज की वीडियो में जो आपको बताया जाएगा कि आप अपनी कोई भी ऑडियो को आप वीडियो में कैसे चेंज कर सकते हैं और कोई भी वीडियो को ऑडियो में कैसे चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल छोटी सी वीडियो है, बगैर टाइम वेस्ट किए और बगैर आप वीडियो को स्किप किए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने अपनी फाइल्स में जाना है, जैसे कि एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है उसमें भी माय फाइल्स का ऑप्शन होता है, और जो आईफोन वगैरह उसमें माय फाइल्स का ऑप्शन एज यूजुअल होता है। तो सबसे पहले हमने अपनी माय फाइल पे ओपन कर लेना है। जैसे ही हम अपनी माय फाइल ओपन करते हैं, यहाँ पे हमारी सारी जो इंटरनल और एसडी कार्ड की जो स्टोरेज वगैरह वो सारी शोज हो रही हैं, ठीक है। उसमें इमेज वगैरह, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, इंस्टॉलेशन, फाइल्स भी शो हो रही हैं। सिंपली हमने कोई भी अपनी ऑडियो को वीडियो में चेंज करना है, तो सिंपली हम अपनी ऑडियो को करते हैं जी क्लिक। जैसे कोई ऑडियो को क्लिक करते हैं, यहाँ पे मेरे पास काफ़ी ज़्यादा जो हैं जी ऑडियो आ गई हैं, जिसमें मेरे सॉन्ग्स हैं, व्हाट्सअप ऑडियो हैं, वॉइस रिकॉर्डर्स हैं, व्हाट्सअप ऑडियो और एस डी कार्ड है, ठीक है। इसमें से कोई भी मैं ऑडियो जो है ऐसे ओपन करती हूँ, ठीक है। ये जैसे कि इनकी आपको पिक्चर्स वगैरह शो हो रही हैं, तो इसको भी नहीं करते। सबसे पहले जी हम कोई भी व्हाट्सअप ऑडियो ले लेते हैं, ठीक है। इसको सिंपली हमने सेलेक्ट करना है, यहाँ से एक ऑडियो मैंने सेलेक्ट कर ली। इधर थ्री डॉट्स पे जाएंगे, थ्री डॉट्स को जैसे ही हमने करना है, तो यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन शो हो रहे हैं, जैसे कि हम इसको मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, ऐड शॉर्टकट कर सकते हैं, डिटेल कर सकते हैं। आप इन पाँचों में से सिंपली रीनेम के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जैसे रीनेम के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें ये जो ऑडियो की है यहाँ पे इसकी लोकेशन शो हो रही है, और साथ में हमें ये MP3 शो हो रहा है। तो सिंपली आपने क्या करना है, MP3 को आपने 3 रेस करके 4 लिख देना है, ठीक है। इसको रीनेम, जैसे रीनेम करेंगे तो यहाँ पे हमें एक मैसेज आ रहा है, द फाइल एक्सटेंशन विल बी चेंज दिस मे कॉज द फाइल टू बिकम अनयूजेबल। इसमें जो है जी फाइल एक्सटेंशन हमारी चेंज हो जाएगी, ये जो ऑडियो है हमारी वीडियो में चेंज हो जाएगी। सिंपली हमने MP3 को MP4 में कन्वर्ट कर दिया है, जैसे कि ये MP4 हमारे पास आ गया है, ठीक है। ये हमारा ऑडियो में चेंज हो गया, इसमें हमारी ऑडियो की कोई भी पिक्चर वगैरह शो होगी, ठीक है। उसके बाद जी हम बैक आते हैं, बैक जाने के बाद जी हमारे पास यहाँ पे वीडियोस हैं, ठीक है। सिंपली हमने वीडियोस के ऑप्शन को क्लिक करना है, यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना वीडियोस शो हो रही हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड की हुई है कुछ वीडियोस, इसको कर लेते हैं ओपन, ठीक। इसको कर लेंगे ओपन, और इधर काफ़ी ज़्यादा हमें जो वीडियोज़ वगैरह शो हो रही हैं, सिंपली हमने क्या करना है, इसमें से कोई भी वीडियो को कर लेंगे सेलेक्ट। जैसे कि यहाँ से मैंने एक वीडियो कर ली सेलेक्ट, ठीक। इसको जो है जी हम कर लेंगे सेलेक्ट, जैसे कि ये सेलेक्ट होगी, इसमें सिंपली हमने थ्री डॉट्स पे जाना है, थ्री डॉट्स पे हमने क्लिक करना है। इसके बाद जी यहाँ पे एज यूजुअल हमें सेम वही ऑप्शन शो हो रहे हैं, सिंपली हमने रीनेम में जाना है, और यहाँ पे MP4 का ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पे हमने सिंपली MP3 कर देंगे और रीनेम कर देंगे, तो ये हमारी जो फाइल है वो ऑडियो में चेंज हो जाएगी। सिंपली ये ट्रिक है जिससे हम अपनी ऑडियो को वीडियो में और वीडियो को ऑडियो में चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करें वीडियो को और कमेंट